गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि धारा 370 जो हमारे जम्मू कश्मीर में लागू है वो क्या है, जो देश के विशेष राज्य कश्मीर में लागू है। तो जम्मू कश्मीर के राज्यों के पास दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होता है। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र बना सकती है, मतलब सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत यदि वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागू नहीं है, RTE लागू नहीं होता है, CAG लागू नहीं होता है, भारत का कोई भी कानून लागू नहीं। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं है। कश्मीर में चपरासी को 2500 ही मिलते हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को, मतलब हिंदू और सिख को, 16% आरक्षण नहीं मिलता है। धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।